चलिए अब मेजर ड्रेनेज सिस्टम जो अभी थोड़ी देर मैंने आपको पहले दिखाया था डायग्राम में, तो द हिमालयन ड्रेनेज, द पेनिनसुलर ड्रेनेज एंड द इनलैंड ड्रेनेज, ये आपके मेजर है लाइक दिस वाले, ये जो है आपके, दिस आर द हिमालयन ड्रेनेज, ये आपके पेनिनसुलर ड्रेनेज और लूनी रिवर वगैरह जो बनेंगे वो इनलैंड ड्रेनेज। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सो व्हेन वी टॉक ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे जो मेन है, द गंगा, द इंदस एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। सिंस दिस आर फेड बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड परसेप्शन क्या होंगे, दे विल बी ऑलवेज पेरिनियल एंड मेनी ऑफ द रिवर्स एग्जिस्टेंस बिफोर, कहा जाता है कि यहाँ के जो रिवर्स थे दे एग्जिस्टेड इवन बिफोर हिमालयस केम। ठीक है, तो दे आर ओल्डर देन द माउंटेन्स देमसेल्फ। ठीक है, और दिस रिवर पासेस थ्रू द जेंट जॉर्जेस कॉल्ड ओनली बाय द इरोजनल एक्टिविटी कैरिड ऑन साइमल्टेनियसली विद द अपलिफ्ट ऑफ द हिमालयस। मतलब जैसे जैसे हिमालयस उड़ता चला गया ये इनका, ये रिवर्स इनको काटते चले गए, इसलिए इफ यू सी, इफ यू रीच एट हायर एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालय देयर यू कैन सी डीप जॉर्जेस ऑफ द रिवर्स ऑफ लाइक झेलम, ब्यास एंड चेनाब। वेल एंटरिंग द प्लेन्स दे फॉर्म डिपोजिशनल, अब क्या वो यूथफुल स्टेज होता है वहां पे वो लोग काफी मतलब कटिंग एंड ऑफ द साइड्स एंड द, जैसे रिवर जा रहा है तो वेन इट इज लाइक डाउन कटिंग, सॉरी आई वॉज नॉट गेटिंग दैट, डाउन कटिंग एंड साइड कटिंग हैपन्स। अब ये जो हुआ तो बहुत सारे सिल्ट एक्यूमुलेट हुए, ये सारे जाके कहाँ पे, यहाँ पे देखिए यूथफुल स्टेज में वेलोसिटी बहुत ज्यादा है रिवर का, सो इट इज नॉट डिपोजिटिंग ओवर देयर, बट वेल इट रीचेज द प्लेन, प्लेन पे क्या है उसकी काफी कम हो जाती है वेलोसिटी, तो हियर नॉट द डिपोजिशनल विल टेक प्लेस। तो वेल एंटरिंग द प्लेन्स दे फॉर्म डिपोजिशनल फीचर्स लाइक फ्लैट वैली, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स एंड ब्रेडेड चैनल्स एंड डेल्टास। ठीक है, ये सारे जो फीचर्स हैं आपके डिपोजिशनल के। इन द हिमालयन ट्रेचेस द कोर्सेज ऑफ दिस रिवर्स इज हाईली टॉर्शुअस बट ओवर द प्लेन्स द डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग मीएंडरिंग, बहुत इधर उधर हो जाते हैं प्लेन्स पे, पर जो अपर रीजन पे का तो हम स्ट्रेट फॉलो करते हैं, काफी इंटेंसिटी होती है इन रिवर्स में। मैनी ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर द टिपिकल ऑफ द एंटीसीडेंट ड्रेनेज, थोड़े देर पहले हमने देखा था अभी एंटीसीडेंट रिवर्स एंड सुपर इम्पोज्ड। ठीक है, देवर टाइप ऑफ डिस्कॉर्डेंट रिवर सिस्टम्स। अगर इवोल्यूशन की हम बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट जो एक्सेप्टेबल है दैट दैट ये जो थे मायोसिन पीरियड्स में हुए थे। ठीक है, और डी वोर्स में आपका ब्रह्मपुत्र वाज आल्सो डिसमेंबर्ड इनटू द मेन ड्रेनेज सिस्टम, तो इंदस आ जाता है और उनके पांच ट्रिब्यूटरीज, गंगा एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज और द ब्रह्मपुत्र एंड असम एंड द हिमालयन ट्रिब्यूटरीज इन द ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, ऐसे तो जो ब्रह्मपुत्र में आ रही है वो पहले से, उसको हम लोग तिब्बत में सांगपो कहते हैं, बट व्हेन वी स्टडी ब्रह्मपुत्र तो वी सी ओनली व्हेन इट इंटर्स इंडिया। ठीक है, और वहां पे जो भी उसके ट्रिब्यूटरीज हो रहे हैं। ठीक है, द डिसमेंबरमेंट वाज प्रोबब्ली ड्यू टू द प्लेस्टोसीन अपहीवल इन द वेस्टर्न हिमालयस, ये ब्रह्मपुत्र के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो द डिसमेंबरमेंट वाज प्रोबब्ली ड्यू टू द प्लेस्टोसीन अपहीवल इन द वेस्टर्न हिमालयस इंक्लूडिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पोटवार प्लेटियो। ठीक है, जो दिल्ली रिज, जो अरावली दिल्ली रिज है दैट इज द पोटवार प्लेटियो, वहां पे उठने के कारण दिस अपलिफ्टमेंट ऑफ प्लेटियो एक्ट इज एज द वाटर डिवाइड। इसलिए अब देखेंगे यहां पे उठने के कारण कुछ रिवर्स इधर चले गए और कुछ रिवर्स इधर चले गए। ठीक है, बिटवीन द इंडस एंड द गंगा ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, सिमिलरली द डाउन थ्रस्टिंग ऑफ द मालदा गैप, जो वहां पे आपका एक्सटेंशन ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस था, जो आप देखेंगे यहां पे जो डाउन थ्रस्टिंग होती है बीच में, जो गारो खासी जयंतिया है और इधर जो आपका मालदा हिल्स, जो मालदा फॉल्टिंग हुई थी। ठीक है, सिमिलरली द डाउन थ्रस्टिंग ऑफ द मालदा गैप एरिया बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड द मेघालय प्लेट्री। ठीक है, ड्यूरिंग द मिड प्लेस्टोसीन पीरियड दिस गैप डाइवर्टेड द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र सिस्टम्स टू फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। इससे कारण क्या हुआ कि ये गंगा इधर से आ रही थी और ब्रह्मपुत्र इधर से आई। अगर पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न को यह बोला जाता है कि जो आपके हिमालयन रिवर सिस्टम्स हैं ये उनसे भी काफी पुराना है, इज ओल्डर देन द हिमालयन वन। ठीक है, इट इज ओल्डर देन द हिमालयन वन एंड दिस इज लार्जली ग्रेडेड शैलो वैलीज एंड द मैच्योरिटी ऑफ द रिवर्स। ठीक है,
और अगर बात कीजिएगा तो मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सी दिस इज द जनरल पैटर्न ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर्स, दे विल फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, और जो चंबल, सिंध, बेतवा ये सब जो ट्रिब्यूटरीज हैं, दे ओरिजिनेटिंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर बिलोंग्स टू द गंगा रिवर सिस्टम एंड द अदर मेजर रिवर सिस्टम. देखिए ये सब भी यहीं ओरिजिनेट होते हैं, बट ये ट्रिब्यूटरीज किसके हैं, दे आर फॉर्मिंग ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम विच इज ए पार्ट ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम. सी एंड फिर हमने क्या बोला, पेनिनसुलर रिवर्स का क्या फीचर्स, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिक्स्ड कोर्सेस, एब्सेंस ऑफ मीएंडर्स मतलब मीएंडरिंग नहीं है, और नॉन पेरेनियल मतलब क्योंकि देखिए अब स्नो फेड तो उनको मिल नहीं रहा है सोर्सेज, तो समटाइम्स व्हेन देयर इज एक्सट्रीम ऑफ हीट तो दे बिकम नॉन पेरेनियल. द नर्मदा एंड द तापी फ्लोस थ्रू द रिफ्ट वैली, जैसे कि पता है देयर मेनी इंस्टेंसेज ऑफ सुपर इम्पोज्ड एंड रिजुविनेटेड ड्रेनेज रिप्रेजेंटेड बाय वाटरफॉल्स. एग्जाम्पल्स जॉग फॉल देख लेंगे, यना फॉल्स, गोकल फॉल्स, कपिल धारा एंड धुआंधार फॉल्स. ये कहाँ कहाँ पे है, किस किस स्टेट में है, इनको देख लेना है. ठीक है, जैसे जॉग फॉल्स कहाँ पे है, कर्नाटका. ठीक है, अगर इसमें देखें एवोल्यूशन ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज, ठीक है, तो थ्री मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स इन द डिस्टेंट पास्ट हैव शेप्ड द प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया. ठीक है, क्या क्या है ये, सब्सिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर. मतलब क्या था, एक्चुअली कहा जाता है ना कि जब ये एक पोर्शन था कि यहां से टूटा था, तो एक्चुअली ये उठा हुआ था, तो ये बोल रहा है सब्सिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर लीडिंग टू द सबमर्जेंस बिलो द सी ड्यूरिंग द अर्ली टर्शियरी पीरियड एंड जनरली इट हैज डिस्टर्ब द सिमेट्रिकल प्लान ऑफ द रिवर. एक्चुअली ये दोनों साइड फ्लो हो रहा था पर ये यहां से टूट गया था. अपहीवल ऑफ द हिमालयस व्हेन द नॉर्दर्न फ्लैंक, फिर ये क्या हुआ, हिमालयन वाले जो थे वो पोर्शन उड़ गया. अब ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो जनरल पैटर्न इनका फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हो गया. तो द नर्मदा एंड द तापी फ्लो थ्रू फॉल्ट्स एंड फिल द ओरिजिनल क्रैक्स विद इट्स जेट्रियस मटेरियल और स्लाइट टिल्टिंग. ठीक है, जो तीसरा था स्लाइट टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शंस गेव ओरिएंटेशन टू द एंटायर ड्रेनेज सिस्टम टुवर्ड्स, यहां पे जो था पोटवार प्लेटू का, तो यहां पे थोड़ा सा उठने के कारण क्या हुआ, ये सारे डायरेक्शन इधर की तरफ चलेगा. ठीक है, चलिए ये हमने देख लिया द हिमालयन रिवर सिस्टम, द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. नाउ देयर इज आल्सो एन इनलैंड रिवर सिस्टम. ठीक है, इनलैंड रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, सम रिवर्स ऑफ इंडिया आर नॉट एबल टू रीच द सी एंड कंस्टिट्यूट इनलैंड. मतलब जो नदी, जो रिवर जिनको समुद्र तक नहीं जाना नसीब हुआ, दे आर नोन एज द इनलैंड रिवर सिस्टम. मतलब दे विल ओरिजिनेट समवेयर इन द लैंड एंड दे विल एंड देयर ओनली. ठीक है, जैसे घग्गर. ठीक है, और स्टेट में बात करें तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे बहुत सारे आपके इनलैंड रिवर सिस्टम्स आपके मिलते हैं. ठीक है, एंड पार्ट्स ऑफ पक्षाय चीन लद्दाख ऑफ इनलैंड ड्रेनेज एंड घग्गर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इनलैंड ड्रेनेज. सीजनल स्ट्रीम है विच लाइज ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालयस एंड फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब. ठीक है, इट गेट लॉस्ट इन द ड्राई सैंड्स ऑफ राजस्थान नियर हनुमानगढ़ आफ्टर ट्रैवर्सिंग ए डिस्टेंस ऑफ, देखिए रिवर इतनी बड़ी थी 450 किलोमीटर चल रहे, लेकिन जब वो समुद्र के पहुंचने से पहले वो जाके लैंड में वो खो जाता है.